नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता और सत्ता। मैं आपके साथ अंजू प्रजापति। रामपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गाड़ी से 2 करोड़ कैश के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए व्यक्तियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। रामपुर की थाना सिविल लाइन्स पुलिस और एसओजी टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक गाड़ी से 2 करोड़ कैश बरामद किया है। कैश ले जा रहे लोगों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दी ताकि बरामद कैश का पता चल सके। वहीं पुलिस इस पैसे को हवाले का पैसा भी मान रही है। एसपी रामपुर ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स को सूचना थी मुखबिर से कि यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन होता है, मे बी हवाला का हो, ये लगे हुए थे। तो आज इनको सफलता मिली। ये गाड़ी है, ये ब्लैक कलर की मजारियो, कौन सी गाड़ी है आप लोग देख लें बाहर है। इसमें 2 व्यक्ति, एक ड्राइवर, ये लेके जा रहे थे। तो इन्होंने चेक किया, 2 करोड़ रुपये कैश उस गाड़ी में था। तो कैश दे के चौके ये, उन्होंने जवाब सवाल किया कैसे है क्या है, कोई संतोषजनक उत्तर वो दे नहीं पाए। तो उनको थाने लाया गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित किया गया है, वो लोग आ रहे हैं, उसकी इंक्वायरी करेंगे। ये पैसा अपना उत्तराखंड से कोई MET स्कूल है उसके मालिक का है बता रहे हैं, और ये जा रहा था चांद पब्लिकेशन दिल्ली। हिमांशु गुप्ता को सुभाष अरोड़ा ने भेजा है, हिमांशु गुप्ता को जाएगा। बट ये है कि कोई इसका ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि पैसा पैसा है। तो ये जो रेमिटेंस हो रहा है, कोई पेपर नहीं है, ठीक है, कोई इसमें सिक्योरिटी नहीं है। 2 करोड़ के रुपए हैं, कहीं भाई लेजिटमेट पैसा हो तो भी कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। इस लिहाज से इसको डिटेन किया गया। हाँ, जो पहले बता रहा है वो जो इसमें ले जा रहा है कि 2 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़ ले जा चुका है, 2 करोड़ इस बार ले जा रहा था। अभी हम इसे गलत नहीं मान रहे हैं जब तक कि वेरीफाई ना हो जाए। वेरीफिकेशन के प्रोसेस में है, वेरीफाई होने के बाद सिद्ध होगा कि ये लेजिटमेट है, बोनाफाइड है या हवाला का है। ये हवाला का पैसा तो नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। अगर वो क्लेम करेंगे, बताएंगे, इनकम टैक्स वालों को सेटिस्फाइड करेंगे, वेल एंड गुड, उनका पैसा है, ले जाएंगे। नहीं, मैं गलत ही मानूंगा अदरवाइज। आपसे पहले कभी और लेके जा चुके हैं ये पैसा? बता तो दिया, दो करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 3 बार ले गए, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7 करोड़ ले जा चुके। कोई का आपने खुद ही पूछा, कोई कागज नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई इसका लेजिटमेट आंसर नहीं है इनके पास। वो साधारण कर्मचारी है, उसके मालिक बताएंगे ना कैसा है। इसकी जांच की जा रही है। यस, इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर हैं सुधाकर जी, आ रहे हैं अपनी टीम लेके, वो बात करेंगे। अभी हम गलत इसे नहीं कह रहे हैं। देखो, ये तो सामान्य सी बात है। अब इसके इसकी जो वैधानिक पहलू हैं उसके जानकार लोग हैं, वो देखेंगे। सर, कितनी टीमें गठित की गई हैं जांच के? एक टीम पर्याप्त है, आ रहे हैं मुरादाबाद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, वो देख लेंगे इसको, पेपर वगैरह चेक कर लेंगे। थैंक यू।